हेलो गाइज एंड वेलकम टू अदर ब्लॉग। तो जैसा कि हमने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि अब भाई हम लोग जा रहे हैं एक नई कंट्री, एक नया इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं नेपाल के काठमांडू। बस जर्नी हम लोग करके आए हैं, वो बस जर्नी का ब्लॉग आपको मेन चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और फाइनली ये है हम लोग काठमांडू में। अभी अपने यहाँ तो भाई इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी चल रही है नॉर्थ साइड, लेकिन यहाँ पर ठीक है, अभी प्लीजेंट वेदर है, मतलब धूप वूप तो निकली हुई है लेकिन इतना ज़्यादा एकदम गर्मी नहीं है। अभी सुबह का टाइम है, बाकी देखते हैं दिन में कैसा क्या रहने वाला है वेदर। चलो सिम वगैरह लेते हैं, देखते हैं सिम का क्या हिसाब किताब है। वैसे हम लोगों को बस ने उतारा है यहाँ पर सामने, और यहाँ पर जो है दुकान वगैरह है सिम की, अभी पता किया। अब चल के देखते हैं क्या हिसाब किताब है सिम का यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर आ गए थे, सामने में सिम हम लोगों को मिल गई है, और यहाँ पर जो कंपनी चलती है ये है एनसेल। एनसेल की सिम ले ली है, 200 रुपए की सिम मिली है जिसमें 500 MB सिर्फ डाटा है, और 100 रुपए अलग रिचार्ज किया 100 रुपए का, तो उसमें 2.5 GB डाटा अलग से मिला, तो लगभग अभी 3 GB डाटा हो गया। इतना सफिशियंट है, मतलब नेट बंद कर करके चलाना पड़ेगा। यहाँ पे जो सिम वगैरह है, डाटा है, कॉलिंग है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा महंगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा महंगा इंडिया के मुकाबले। तो 300 रुपए की सिम में इतना सब कुछ है अभी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 GB में काम चल जाएगा। बाकी अभी हॉस्टल वगैरह जहाँ जाएंगे हम लोग, वहाँ पर तुम लोग फ्री वाईफाई मिल ही जाएगा। और एक और चीज़ दिखानी है, ये अपने यहाँ तो ये वाउचर्स याद हैं, पहले के समय में ऐसे ही रिचार्ज करते थे हम लोग। ये देखो 100 रुपये वाला वाउचर है, स्क्रैच करके और फिर रिचार्ज करते थे, वो पुराने दिन याद आ गए भाई, आज बहुत सालों बाद देख रहे हैं ये। तो अभी कैब बुक करी है हम लोगों ने अपने हॉस्टल के लिए, जो कि यहाँ पर थेमल में है। और वैसे आपको अगर कैब वगैरह बुक करनी है तो इन ड्राइव जो ऐप है ना, उससे आप कैब बुक कर सकते हो नेपाल में, ईजिली हो जाएगा। यहाँ का हम लोगों को नेपाली नंबर डाला, लॉगिन किया, उसके बाद कैब बुक कर ली ईजिली। तो भाई साहब ये आ गई अपनी कैब जो ऑनलाइन बुक करी हुई थी। इधर पे आपको नंबर जो है ना अलग ही देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग बस निकले हैं, और ये देखो बौद्धनाथ टेम्पल यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, जो कि नेपाल का सबसे बड़ा बौद्धनाथ टेम्पल है। ये देखो मंदिर का आर्किटेक्चर वगैरह एकदम डिफरेंट। पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल, कैब से आ गए हैं। ये रहा आज का हॉस्टल जहां हम लोग स्टे करने वाले हैं, फ्लॉक हॉस्टल। चलो चलते हैं, देखते हैं अंदर, आपको दिखाएंगे भाई कैसा क्या है ये हॉस्टल। देखने में तो सही लग रहा है एकदम, आपको यहां की बिल्डिंग्स और यहां के चीज़ें थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलेंगी। और जैसे यहां का मंदिरों में होता है ना, ऐसा यहां पे ये लगाया हुआ है। तो ये रहा भाई साहब अपना हॉस्टल, और ये रिसेप्शन। बाकी ये है यहां का कॉमन एरिया, यहाँ पर मस्त बैठ के देखो अभी कैरम वगैरह भी खेल सकते हो, और बैठने का एरिया है, गिटार है, म्यूजिक व्यूजिक बजाओ मस्त। तो ये है अपना कॉमन एरिया। तो अभी हम लोग कॉमन एरिया में ही वेट कर रहे हैं। देखो सुबह का अभी 9 बजने वाला है, लगभग 3 घंटे हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 12 बजे यहाँ पर चेक इन का टाइम है। तो 3 घंटे तो यहीं अभी वेट करेंगे कॉमन एरिया में। बाकी वॉशरूम वगैरह आप यूज़ कर सकते हो इस हॉस्टल में, मतलब 12 बजे चेक इन है, लेकिन उससे पहले भी जैसे अपन यहाँ बैठे हुए हैं कॉमन एरिया में, यहाँ भी वॉशरूम है, ऊपर भी वॉशरूम है, तो वॉशरूम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगेज भी रखने का बाहर है। तो अभी आ चुके हैं अपने हॉस्टल के रूफ टॉप रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। भाई साहब बहुत सही रूफ टॉप रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। वैसे नीचे भी इनका रेस्टोरेंट है बिल्कुल, जो रिसेप्शन है ना उसके पास में एंटर करते ही, और एक ये रूफ टॉप पे है, एक नंबर जगह है। तो ये है भाई यहाँ का रूफ टॉप रेस्टोरेंट, यहाँ पर आप बैठ के बढ़िया खाना पीना जो भी है खा सकते हो। बार वगैरह का भी सिस्टम है, तो बार का मेन्यू अलग से मिल जाएगा। और लोकेशन हम आपको दिखा देते हैं, ये देखो ये भाई रेस्टोरेंट है, और यहाँ लोकेशन देखो कितनी प्यारी लोकेशन है भाई। ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है, और पूरा नेपाल का काठमांडू यहाँ से दिख रहा है, और पूरे पहाड़ वगैरह आसपास जो भी हैं सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो बहुत सही लोकेशन पर जो है यहाँ पर ये रूफटॉप रेस्टोरेंट इनका मिल जाएगा आपको। बाकी यहाँ पर अलग अलग मेन्यू है, यहाँ पर ये देखो ये बार का मेन्यू है जैसे कि हमने बताया, ये है स्टार्टर्स वगैरह का, और ये है इनका मेन कोर्स का मेन्यू। और मेन कोर्स के मेन्यू में आपको चीज़ें हम दिखा देते हैं। यहाँ पर इनकी थाली है नेपाली थकाली थाली, 500 नेपाली रुपीज़ की। और दाल तड़का वगैरह अकेली लेते हैं ना तो यही पड़ जाएगा अपन को 440 का। रोटी है 140 की, बटर नान है 190 का, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है अगर हम लोग इंडिया के मुकाबले देखें तो। कॉस्टली तो है लेकिन कोई नहीं, थाली हमको सही लग रही है 500 में, कम से कम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है थाली के अंदर। तो अभी सारी चीज़ों की प्राइसेस वगैरह कंपेयर कर रहे थे ताकि आपको भी बता सकें भाई कितना महंगा है या सस्ता है इंडिया से नेपाल। तो पहले तो हम आपको करेंसी का बता देते हैं, अपने यहाँ का इंडियन रुपीज़ का 1 रुपया नेपाली रुपीज़ का 1.6 रुपीज़ बन जाता है, मतलब 1000 रुपये अपना, और यहाँ का 1600 रुपये। तो हम लोगों ने कल ही एक्सचेंज करा लिया था बस से, जिससे हम लोग आए थे बस में ही हो गया था। तो आप वैसे यहाँ भी करवा सकते हो, और ATM वगैरह से भी निकाल सकते हो। और अभी रूम जो हम लोगों ने लिया, रूम क्या हॉस्टल में डोरमेट्री में हम लोगों ने बेड्स लिए हैं, तो एक दिन का बेड का हम लोगों को पड़ा है इंडियन करेंसी में लगभग 530 रुपये।
ठीक है, दोनों का 500-500 और यहाँ की करेंसी में कितना बताया था, 800-850 तो इस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन खाना पीना यहाँ का महंगा है भाई साहब, खाना तो महंगा है क्योंकि अभी हमने आपको दिखाई सारी चीज़ें जो भी रेट्स वगैरह हैं, तो उसके हिसाब से खाना थोड़ा सा महंगा है। अब ये रेस्टोरेंट में महंगा है, बाकी और भी एक्सप्लोर करेंगे तो आगे वाले ब्लॉग्स में ही आपको बताएंगे भाई बाहर क्या रेट है। अभी अपने हॉस्टल में जो रेस्टोरेंट है इसका तो खाना नो डाउट महंगा है, बाकी चीज़ें ठीक है। अभी कैब वगैरह से आए थे तो उसमें भी लगभग 250-260 रुपये लगभग लिए थे नेपाली रुपया, तो उस हिसाब से ठीक था कैब का भी, लेकिन ये खाना पीना रेस्टोरेंट का तो महंगा है। बाकी देखेंगे और चीज़ें क्या है किस हिसाब से है, रहना तो यहाँ पे आपको सस्ता पड़ जाएगा, ये अच्छी बात है। आप कभी भी आ रहे हो यही वाला हॉस्टल देख लो, हॉस्टल हमको बहुत सही लगा है। अभी आपको डॉर्मेटरी भी दिखाएंगे, अभी 12 बजे चेक इन होगा, अभी देखो 11 बज गया है, 12 बजे हम लोगों का चेक इन होगा, तब आपको दिखाएंगे कैसी क्या डॉर्मेटरी है यहाँ। और एक चीज़ हम आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के बारे में यहाँ पर बता देते हैं, तो यहाँ पर देखो ऊपर में एक लाइन लिखी हुई है, नॉट वैलिड फॉर पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज इन नेपाल एंड भूटान। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो नेपाल में आ रहे हो या भूटान जा रहे हो ना, तो इंडिया के जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स है ना, वो सब आप स्वाइप करके यूज़ नहीं कर सकते हो। एटीएम वगैरह से विड्रॉल कर सकते हो लेकिन स्वाइप नहीं कर सकते हो। ये चीज़ हमको आज ही पता चली जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं और कार्ड से हमने पेमेंट करना चाहा, तो भाई यहाँ आ रहे हो तो इसके भरोसे बिल्कुल मत आना। तो अभी हम लोग वेज थाली ऑर्डर करने वाले थे, लेकिन अभी इन्होंने बताया कि 12 बजे के बाद ही अवेलेबल होगा, भूख लग रही है ज़ोरदार, तो हमने ठीक है चलो भाई ब्रेकफास्ट में क्या है, तो आलू पराठे वगैरह की इनकी एक प्लेट थी कॉम्बो इंडियन ब्रेकफास्ट करके, तो हमने वो मंगा लिया, वो ऑर्डर कर दिया है। तो ब्रेकफास्ट आ गया और ब्रेकफास्ट में इंडियन ब्रेकफास्ट में दो ऑप्शन थे, एक में था आलू पराठा और एक में पूड़ी भाजी, तो हर्ष ने मंगाई है पूड़ी भाजी और हमारा है आलू पराठा, और ये इसमें सब्जी है, दही है, चटनी है, और इसमें दो पराठे हैं और लगभग इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पूड़ियाँ हैं और साथ में एक एक मसाला चाय, और चाय देख रहे हो बड़ा सा कप भर के आया हुआ है। सो फाइनली अभी टाइम हो गया है 12:22, अब टाइम है चेक इन का। जैसे अभी हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है डॉर्मेट्री, ये देखो एकदम ग्रीनरी वगैरह मस्त, यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं, रूम है अपना 202, और यहाँ से बस एंटर होते ही ये है यहाँ की डॉर्मेट्रीज, नीचे है लोअर बेड है, अपर बेड है। वैसे आज हम लोगों को दो नंबर दिए हैं, एक तो दिया है 9 और 1 10, ये रहा 9 और ये 10, 10 है लोअर, ये है हर्ष का, और 9 नंबर अपर, ये है हमारा। तो इस तरीके का आपको बेड वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। और एमिनिटीज़ बताओ हर्ष, नीचे क्या क्या है तुम्हारे पास? चार्जिंग सॉकेट है, एक लाइट है, चार्जिंग सॉकेट है, साथ में लॉकर भी मिल जाएगा आपको, लेकिन ताला इसमें अपना डालना होगा, और साथ में आपको इस तरीके की की मिल जाएगी, इसमें रूम नंबर और बेड नंबर मेंशन है, इसे 9 नंबर है हमारा, तो ये 9 नंबर का ये लॉकर है, तो इसमें अपना लगेज वगैरह अपन डाल के लॉक करके जा सकते हैं। ये लो भाई इतना सफिशियंट स्पेस है, हमारा ट्रॉली बैग आ गया और एक नॉर्मल हैंड बैग भी रख सकते हैं, इतना स्पेस तो इसके अंदर लॉकर में आपको मिल ही जाएगा। वैसे आप लोग सोच रहे होगे भाई वॉशरूम तो है नहीं यहाँ पर, तो वॉशरूम का ऐसा सीन है कि ये जो डॉर्मेटरी है इसका वॉशरूम अलग साइड में दिया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं कैसा वॉशरूम है। तो ये है अपना रूम और यहाँ पर जस्ट बगल में ही वॉशरूम आपको देखने को मिल जाएगा, तो इधर पे जाके तो अंदर वॉशरूम में आके आपको मिलेंगे दो सेक्शंस, इस साइड है पूरी टॉयलेट्स बनी हुई हैं और इस साइड पूरा शॉवर रूम, सामने मिरर और वॉश बेसिन, और यहाँ पर भी एक वॉश बेसिन और मिरर, और साथ में ड्रायर वगैरह ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस सारी चीज़ें बढ़िया लगी हमको तो हॉस्टल की, मतलब साफ़ सफाई मेंटेनेंस हर चीज़ बढ़िया है, और बेड्स वगैरह भी साफ़ सुथरे दिए हुए हैं और स्पेशियस भी है, बेड में भी अच्छी स्पेस है और जो लॉकर वॉकर दिया हुआ है वो भी सही है, तो ओवरऑल सही है। और साथ ही आपको रूफटॉप वाली फैसिलिटी तो मिलती है जहाँ पर आप मस्त नज़ारे लेते हुए लंच डिनर ब्रेकफास्ट ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बस ये है कि खाना का चार्ज, खाने का जो चार्ज है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कोई नहीं यार, अब आप कहीं घूमने आ रहे हो, कुछ एक्सप्लोर करने आ रहे हो, कुछ डिफरेंट नज़ारे देते हुए अगर आपको खाना भी ना खाना है तो उस हिसाब से वर्थ है, कोई टेंशन नहीं है। तो इस हॉस्टल में आके आप स्टे कर सकते हो, कभी नेपाल आ रहे हो, काठमांडू आ रहे हो, तो हमको तो सही लगा। वैसे हम लोग ऑनलाइन देख देख के आए थे सारी चीज़ें कैसा है क्या नहीं है, तो सारे और भी एक दो हॉस्टल थे लेकिन यही वाला हम लोगों को बेस्ट लगा, तो यहीं स्टे कर रहे हैं। चलो यार आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग जो है बहुत तगड़ा आने वाला, यहाँ की जो नाइट लाइफ वगैरह है वो एक्सप्लोर करेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तो इंतज़ार करो थोड़ा सा अभी, ठीक है वो ब्लॉग आएगा अगला, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट ब्लॉग आए आपसे मिस नहीं हो, और इंस्टाग्राम का यूजर आईडी भी यहाँ पर आ रहा है। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।